नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जून की 19 तारीख है और मानसून का तो मेरे यहाँ कोई नामो निशान अभी नहीं है, तो इंतज़ार हो रहा है। देखो कब मानसून आता है हमारे झांसी में। तो मैं आज ये बताने वाली हूँ कि ये पुराने जो गजानिया के प्लांट्स हैं तो इन्हें अगले सीज़न के लिए कैसे सेव किया जाए। तो मुझे किसी भाई बहन ने ये पूछा था कि इसको किस तरह से सेव करना है। तो बाकी कई सारे प्लांट्स पे मैंने पिटूनिया पे भी, जैसे विंटर में खूब सारे खिल जाते हैं, तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि अगले सीज़न के लिए कैसे किस तरह से सेव करने हैं। और ये गजानिया भी लास्ट ईयर पूरा साल भर खिलते दिखे और अभी भी ये खिल गए, और मैं रोज़ ही सोचती रही कि हर रोज़ की आज वीडियो बनाऊँगी आज बनाऊँगी, मैं बना ही नहीं पाई। तो आज मैं इन पे काम कर रही थी, क्योंकि इन पे इसलिए काम कर रही थी कि अभी मानसून जो है आने वाला है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि इस पे काम कर लिया जाए। तो जितना ज़रूरी विंटर के खिलने के बाद जब समर के लिए इनकी केयर होती है, हम केयर करते हैं, समर से बचाते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि इन्हें हम ये अभी बरसात से इन्हें बचाना ज़रूरी है। तो अभी मैंने क्या काम किए कि जो अभी फूल खिले थे उनके मैंने जो स्टेम सूखे वाले वो हटाए हैं, सूखे पत्ते हटाए हैं, और हल्की हल्की जो है ये ऐसे इस तरह से ये हल्की हल्की ऐसे गुड़ाई कर देनी है। तो ये प्लास्टिक पोट में मेरे लगे हैं और सीमेंट के पोट में भी, और एक और बड़ा पोट है उसमें तो पूरे भरे पड़े हैं। तो अभी इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपने, और ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो धूप का टाइम वो अपने 3-4 घंटे की धूप में सुबह की इन्हें रख सकते हैं और दीवार के पास, और ये इस तरह से। और पानी कैसे देना है इन्हें, बिल्कुल जब इन्हें ज़रूरत हो। जहाँ तो आपको देने का तरीका पता नहीं चलता है कि कब देना है, जहाँ तो पत्ते इनके थोड़े से मुरझाने लगे ताकि पानी मांग रहे हैं तब आप पानी दीजिए, या फिर आपकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो हल्का पानी, थोड़ा पानी देना है। तो ज़्यादा पानी से ये पौधे हमारे मर जाते हैं। तो ये पूरा साल भर अभी ये मैंने बताया ना कि ये खिल के, ये देखिए ये जो खिले थे, ये अभी जो इस टाइम खिले थे फूल बिल्कुल छोटे छोटे थे, मतलब इतने सुंदर फूल नहीं, बहुत बड़े बड़े फूल नहीं थे, पर फिर भी गार्डन में खिलते हुए। तो ये पूरा साल भर कुछ कुछ टाइम के बाद जो है खिलते ही रहते हैं। और अभी आपने बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना है, हिलाना है। हाँ, जब सितंबर अक्टूबर का टाइम आएगा, अक्टूबर महीने में, तो इनकी पत्तियाँ फिर बड़ी चमकदार और अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। तो इस टाइम एक किस्म से, जहाँ पे जो बड़े गर्म इलाके होते हैं तो डोरमेंसी पीरियड में ही ये होते हैं, तो जहाँ पे ठंडी जगह होती हैं वहाँ तो ये इस टाइम भी गर्मियों में भी खूब खिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके ज़्यादा गर्मी नहीं होती है गर्मियों के मौसम में भी। पर हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारे यहाँ अभी कोई ज़्यादा कोई ऐसी ग्रोथ नहीं हो रही है, जितनी थी वैसी ऐसी रुकी पड़ी है। और हाँ, फूल जो आए हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के ऐसे आए हैं। तो जब सितंबर अक्टूबर जब आपको लगे कि पौधे में चेंज होने लगा है, अच्छी ग्रोथ होने लगी है, अब अक्टूबर के महीने में करें आप। सितंबर में भी हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, अक्टूबर में जब देख लें कि मौसम थोड़ा ठीक है, फिर इनके प्लांट्स आप अलग करके मिट्टी के साथ, रूट बॉल के साथ, जैसे ये मेरे इसमें ये लगे हुए हैं ये ऐसे, तो मिट्टी के साथ ये आप फिर अलग गमलों में आप इन्हें लगा सकते हैं, या फिर बड़े पोट में, जैसे ये मेरा अभी बड़ा पोट है, इसमें ठीक चल रहा है काफ़ी ये जगह है, तो मैं इसी में ही रहने दूंगी। तो अब देखते हैं उस टाइम कितनी जैसे ग्रोथ होती है, मैं कब ट्रांसप्लांट करती हूँ। और एक ये दो पौधे मेरे यहाँ हैं, इसमें हैं, और ये इसको रूट विजन से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैंने आज जो काम किया है, ये मैंने हल्की हल्की ऐसे रूट्स को नहीं हिलाया है, क्योंकि ये पौधा अभी कोई ज़्यादा काम तो कर नहीं रहा है, और ना ही इसकी ग्रोथ हो रही है ना ही रूट्स की हो रही है, तो इसलिए इनको छेड़ना नहीं है, बस ये हल्की हल्की ताकि ये हवा वगैरह भी इसमें जाती रहे और जो ज़्यादा मॉइस्चर हो तो वो अपने आप एवेपोरेट हो जाए। तो बस यही सब केयर आपने करनी है। और लगातार जिनके मेरे भाई बहनों के बारिशें हो रही हों तो वो फिर इसे ऐसी जगह में रख दे जहाँ पे डायरेक्ट जो पानी बारिश का ना पड़े, जैसे पोर्च वगैरह में जहाँ पे जब जब धूप बीच में निकलती है तो धूप भी मिले और सीधा पानी ना पड़े, और ज़रूरत भर का पानी देना है। तो बस इसके लिए जो क्रूशियल टाइम है वो यही अब विंटर, समर तो हमारा निकल गया, वो तो उसमें तो हमने बचा लिए, और अभी
बरसात के टाइम इन्हें हमने बचाना है। तो यही फूल बहुत जल्दी, जब आप सितंबर अक्टूबर में सीड से तैयार करते हैं, तो मैंने भी इस बारे जो तैयार किए थे तो वो लास्ट में जाके विंटर में मेरे फूल खिलना स्टार्ट हुए थे। और ये जो पुराने वाले पौधे थे तो उन पे सबसे पहले सितंबर अक्टूबर में बल्कि पूरा साल भर फूल देते रहे, और इतने सुंदर फूल पुराने पौधों पर। तो ये मेरे ख्याल है जिनकी फरमाइश थी तो उनका ये मैंने पूरा कर दिया है। और वो अंजू जी ने जो पूछे थे प्लांट्स के बारे में कि कौन कौन से प्लांट्स दिखाए हैं, तो मैंने कल वीडियो बना के दिखा दिया था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अभी देखा नहीं है, तो वो वीडियो देख लें। और उनकी जो है फरमाइश मैंने कमेंट करके नहीं, वीडियो बना के ही पूरी कर दी है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। और फिर अक्टूबर के टाइम विंटर में तो आप इन्हें फिर अच्छी धूप में, खुली धूप में रख सकते हैं। बस अभी यह कि अभी की धूप बहुत तेज तिखी होती है, पूरा दिन की धूप में नहीं रखने हैं, बस सुबह के 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो वो काफ़ी है। तो मेरा ख्याल आप वापस की केयर समझ गए होंगे। और नीचे जो है पौधे में मॉइस्चर बना रहता है हमारा, तो ऊपर की भी सूखती है तो मिट्टी ऊपर ऊपर की ही सूखती है। और जब आपने ट्रांसप्लांट भी करना है तो इनको गहरे से जड़ें नहीं दबानी है, ऊपर ही रखनी है, ऊपर रख के बस ऐसे मिट्टी चढ़ा देनी है ताकि हवा वगैरह इनको जो मिलती रहे। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं ट्रांसप्लांट करना, मैं अक्टूबर महीने की बात कर रही हूँ, उस टाइम जब एक बारी चलने अच्छे से स्टार्ट हो जाए फिर कोई चक्कर नहीं, फिर आप खाद मिट्टी वगैरह जो भी इसमें डालना चाहें। और अभी कोई भी खाद वगैरह कुछ भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस यही गजानिया की केयर है। और मैं वो पिछले साल के जो पौधे थे ना, उन्होंने फूल देना स्टार्ट किए, तो उनका अगर मुझे कोई पिक्चर मिलती है तो मैं वही पिक्चर लगाऊंगी, तो आप देख सकते हैं वो मेरे गार्डन में पुराने फूल जो खिल रहे थे। नमस्ते जी, शुक्रिया।